आके कोई मित्र आता है और आपके सुख साधना के बारे में पूछता है, पर आप भी उसको संतुष्ट कर लेते। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आधा मिनट में नहीं लगा और उसको आपने संतुष्ट कर लिया। और उसको क्या समझ में आ गई, क्या पता वो संतुष्ट भी हो गया। कभी आपने सोचा है? हम एक उदाहरण दे देते, जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा दुकान से उसने खरीदा लड़के ने, तो और कुछ नहीं, वो रबड़ का टुकड़ा है, उसमें सब व्यवस्था है। जब वह अपने मुख से ही उसने हवा भरना प्रारंभ कर दिया, हवा भर गया तो वह फूलता गया। अब उसको व्यवस्थित करना है, धागा बांधना है, बांधते बांधते उसमें जवा दोबारा उन्हें कर दिया इस प्रकार। किंतु उसको धागा बांधना बहुत कठिन होता है, कितना हवा भरना है ये भी बहुत कठिन होता है। तो जैसे जैसे उसमें हवा भरती चली गई, उसका रंग आकार पूरा बदलता चला जाता है। अब ये शरीर विज्ञान और भीतर की हवा जीव विज्ञान दोनों बात चलती रहती है। राम ने साधा पूछी, दूसरे ने बता दिया ठीक था, मतलब गुब्बारे के साधा के माध्यम से आप अपने परिचय दे रहे हो, फिर बताओ है ना, तो संतुष्टि भी कैसे। ये तो भूतगल का जो विकार है वह विकृत हो रहा, संकुचित हो रहा है। आंतर के बिना इसका कोई रूप रंग आकार प्रकार होता नहीं। अब उसमें हवा एक सीमा तक ही बही जा सकती, इसमें यदि मान लो ज्यादा कर देंगे फट जाएगा, पर कुछ भी नहीं देंगे ये हाल है। मतलब जीवन पर्यंत संकोच और विस्तार होता रहता है और भिन्न भिन्न जीवन के अवधियों में आप भिन्न भिन्न फोटोज लेते रहते हैं। ये मई हूँ विकासशील प्रोग्रेसिव लाइफ, क्या आखिर इस जीवन में आपने पाया कि कोई भी नहीं बताता, वैज्ञानिक हो और अपढ़ हो, इस दिशा में हमारे दृष्टि से दोनों एक हैं। अब दोनों में एक मन तुलना करना चाहते हैं तो आपसे वो बहुत अच्छा है, ये समझे। आप जैसे में फालतू पैसा समय न खर्च करके शांति के साथ रहता है, पर आपके दिमाग में दुनियादारी के तूफान घुसे हुए रहते हैं, उसको संतुलित करना बहुत बड़ा कठिन होता, उसकी चिकित्सा बहुत ही कठिन नहीं वो असंभव है। हम उसके माध्यम से साधना चाहते हैं इसलिए संभव है। तो वही हवा भर हो गई है जितना टिके टिके, अब हवा तो भर दिया लेकिन उसके गले में धागा बांध करके उसको जीवित रखना बहुत कठिन है। और जो ही वह हाथ में भर के रखते थोड़ी सी झीत जोड़ दो हवा में उड़ गए, उसको आपने कुछ ही पीछे लगो
जैसे पतंग के पीछे बच्चे भागते हैं ना, क्या लगा है आसमान जी, तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। आयु कर्म के साथ, जीव विज्ञान के साथ ये शरीर विज्ञान अपना काम कर रहा होता, इसका नियंत्रण हम एक सीमा तक तो कर सकते हैं, और वह नियामक नहीं है। इसका नियंत्रण न हमारे वश की बात है और न और किसी की वश की बात है। उसकी जो योग्यता है उसी के अनुसार ये सब कुछ चलता। इन सभी इसके साथ साथ और भी जो तत्व हैं, तो संयोग और वियोग की बात ये भी उसी के ऊपर आधारित रहते हैं। इस सिद्धांत से जो परिचित होता है वह बहुत बड़े भारी घोर धंधे में नहीं फंसता है। और भी कहते हैं ना, नंबर 11 धंधा, और 9-2-11 9-2-11 है वो। अरे भैया तो वो 9-2-11 हो गया, मतलब अभाव का आप हम गिनती रख रहे हैं उसमें। 9-2-11 का हाथ से है, 9 भी निकल गया, बीच में से 10 भी निकल गया, और एक के सामने एक रख दिया। 9 निकल गया तो 10 आ गया, 10 आ गया तो एक शून्य आ गया, और 11 बनाना है तो शून्य को निकाल दो, मतलब 9 भी गया और शून्य भी गया और सब गया, तो एक एक और रह गए। इसका नाम 9-2-11। अब किसी किसी को 9-2-11 होने वाला है, सब लाइन में खड़े, तब 9-2-11 होगा। किसी के पास वो भरोसा नहीं, बेभरोसा से चल रही, और मोक्ष मार्ग में भरोसा रखना होता है। नहीं समझे, आप भरोसा हो चलो, नहीं है तो हम आपको भरोसा बन नहीं बना सकते। भरोसा आपके भीतर होना चाहिए। हम उसको गुब्बारे में हवा जैसे भर दें, ऐसे भरोसे की हवा हम आप में डाल दें, ये संभव नहीं। मतलब जैसे जैसे तत्व ज्ञान विकसित हो जाता है, वैसे वैसे यह वह व्यक्ति भरोसेमंद और होता चला जाता है। यह हम हमारी समझ थी और हमारा यह विश्वास था या धारणा थी कि इनके द्वारा सब हो रहा है और कुछ नहीं है। न भगवान आपके लिए कर रहे हैं, न आप भगवान के लिए कर रहे हैं, कोई इसमें एहसान नहीं है या मेहरबानी नहीं है, क्या बोलते हैं, ये कुछ कुछ नहीं है। ये ज्ञान को विकसित करके उसको स्वीकारना और उस योग्यता के अनुसार इन क्षणों का हमें उपयोग करना है। लेकिन सब ऊपर से भी गया मिलता है, उसका फिर भी लाइफ है, जीवन है, किंतु आप लोगों के बारे में तो कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक सेकंड नहीं लगा कहाँ चलती हो। आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च करो अपने खानदान के बारे में या आपके बारे में, स्वयं के बारे में, चल नहीं है। भरोसा ध्यान में कुछ नहीं है, ध्यान रखो टिका है टिका, इसके भरोसे पर आपके भरोसे पर नहीं, ना और किसी के भरोसे पर। वह तो एक भीतर चल रहा है, वो तो देखने में नहीं आ रहा। इसके रंग गुब्बारे जो उभर रहे हैं भीतर से हवा का, यह सब कमाल है, और निकल गया 9-2-11। 9-2-11 को आप याद रखेंगे, आप इसमें क्या क्या गायब हो गया और क्या क्या रह गया। 8 बजे एक है ना, तो 11 में भी तो यही है और कुछ नहीं।
तो आत्मा ही रहती है, वो दिखती नहीं है, पर दिखती क्यों नहीं है, यही आपको देखना है, यही अपने को देखना है, उसका स्वभाव है दिखती नहीं, वो देखता अवश्य है। सो हम हैं, तो विज्ञान वैज्ञानिक लोग दोनों की दृष्टि इस ओर रहती है जिसको अंतर दृष्टि बोलते हैं, वही दृष्टि का अर्थ यही है उसको गौण करके अन्य किसी की ओर दृष्टि चला जाता। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। 9-2-11 को याद रखना, अगले 12 को भी आप अपने पास बहुत अच्छे ढंग से रख देना, जब गली में माता ठनकने लग जा ये समझे उस समय इसको खुला करके थोड़े बहुत देखने का प्रयास करना, और ज़्यादा हवा भर करके रखना नहीं, उन्हें जब चाहे उस समय ढीला कर देना गांड को, तो हवा ठीक हो जाएगी, नहीं तो एक बार फट जाएगा, उसका गला खराब हो जाएगा, फिर बाद नहीं सकोगे उसको। हाँ, उम्र भी एक ऐसी ही है, इसके बाद फिर उसको हम उपयोग में ला नहीं सकते। जब तक दिमाग ठीक काम कर रहा है तब कर लेना, यही एकमात्र सार है। जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान का एक छोटा सा मतलब आपके सामने रखा, अहिंसा परमो धर्म की जय।